इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। Extraordinary event in the history of this institution of judiciary. It is with no pleasure because he will not survive in this country or any country. Responsibility to the institution, to the nation. नमस्कार। बड़ी बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए वाकई बड़ा दिन रहा। आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज मीडिया के सामने आए और बताया गया कि लोकतंत्र को खतरा है। Extraordinary event in the history of this institution of judiciary. It is with no pleasure because he will not survive in this country or any country. Responsibility to the institution, to the nation. तो ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी? क्यों इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर पर सवाल खड़े किए गए? क्या स्थिति वाकई डराने वाली है या जजों की आपसी लड़ाई है? क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका प्रभावित कर रही है? साथ ही मीडिया के सामने आना, न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना, ये तरीका कितना सही है? चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। बारह जनवरी 2018 का दिन एक बार फिर से देश के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी को जो हुआ वो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत में सर्वोच्च पदों पर बैठे 4 न्यायाधीशों को लोकतंत्र बचाने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि कभी कभी होता है कि देश के सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी बदलती है। सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस से बात की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर हमने देश के सामने ये बातें नहीं रखी और हम नहीं बोले तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस से अनियमितताओं पर बात की। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले हम सभी 4 जजों ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था जो कि प्रशासन के बारे में था। हमने कुछ मुद्दे उठाए थे। चीफ जस्टिस पर देश को फैसला करना चाहिए। हम बस देश का कर्ज अदा कर रहे हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम पर कोई आरोप लगाए। यही पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हुए। इन द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन एंड मोर पर्टिकुलरली दिस नेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियरी, इट इज विद नो प्लेजर इन आवर हार्ट्स वी वर कंपेल्ड टू टेक दिस डिसीजन टू कॉल फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। But sometime the administration of the Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. Time and again, as senior members of the court, it goes without saying that we are the senior most judges of the country also by virtue of age and our office today, senior judges. We thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore you should take remedial measures.
Unfortunately, our efforts failed. And my dear friends, we are all, four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. For the survival of a democracy, it is said, the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge. The judge is symbolic here, is the institution. Judge means the statement, but judge in the context means the judiciary. Now, well, anyway, a lot of things have been published in the press, pro, contrary, whatever it is. We are not entering a regular, it's not a political meeting where we go into all this controversy. खैर, इससे पहले भी कई न्यायाधीश सरकार और लोकतंत्र पर प्रहार करते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फैसले देकर सरकार को उसके कर्तव्य भी याद दिला चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर बैठे न्यायाधीशों का इस बयान के बाद केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि आज हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान के बाद सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर लगी है। खबरें अभी तक के लिए, भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। वाकई बहुत बड़ी बात है, इसके बहुत बड़े असर क्या होंगे, दुर्गामी असर क्या होंगे, क्या देश की जनता है जो 125 करोड़ जो जनता है, क्या उसका कहीं विश्वास न्याय के मंदिर से हट जाएगा, क्या ये तरीका सही था, क्या इसके पीछे और कारण हो सकते हैं जो शुरुआती तौर पर नजर नहीं आ रहे, उसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं स्टूडियो में। जे सी वर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व जज आप हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रहे हैं, और गुरिंद्र पाल सिंह हैं हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट आप हैं, संदीप कोटला भी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं। और चूंकि मामले में राजनीति को इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति नहीं हो रही, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमने देखी, रंजिता मेहता भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चर्चा में जुड़ी हैं, स्वागत है सभी का इस चर्चा में। गुरिंद्र पाल सिंह जी, शुरुआत आपसे करेंगे, किन मायनों में देखा जाए इस पूरी बात को कि चार सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के मीडिया से मुखातिब होते हैं, न्याय व्यवस्था को लेकर, न्यायपालिका को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आम धारणा ये होती है, ऐसी जब कोई बात होती है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जी। लेकिन मेरा विचार थोड़ा अलग है। हम लोग ना, यदि घर में कूड़ा है तो उसको छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बुरा लगेगा। हमें उस कूड़े को सामने लाना चाहिए ताकि उस कूड़े को सफाई की जा सके। इसलिए पहले तो मैं जो जनरल बात की जाती है, आम बात की जाती है कि ये हाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे सहमत नहीं हूं। दूसरा, जो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आज के दिन इस देश को ये समझना चाहिए कि जनता की अदालत कितनी बड़ी अदालत मानी जाती है, और वही मीडिया जिसके बारे में सवाल किए जाते हैं उसके माध्यम से जनता को संबोधित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस चार इकट्ठे हुए, उसमें एक जज जो है जो अगस्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं और उनके उस पर भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो यदि उन्होंने इतनी हिम्मत करी है और सामने आके कोई बात कहना चाहते हैं तो जरूर कोई ना कोई बहुत भारी भयंकर उसमें खराबी है जिसको ठीक करने की आवश्यकता है जी। और इस पे आगे यदि मैं अगली बात कहूं, और उन्होंने कहा कि हमने 4 महीने पहले एक लेटर लिखा है। हाँ। 4 महीने पहले यदि वो लेटर लिखते हैं तो चीफ जस्टिस साहब को बने ही 3-4 महीने हुए, इसका मतलब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी कार्य प्रणाली एक अच्छे लीडर के तौर पे नहीं कही जा सकती। एक अच्छा जज कोई भी हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस को एक बहुत अच्छा बेहतरीन लीडर साबित होना पड़ता है, जो वो इस समय लगता है कि वो फेल हुए हैं। और इसके जो राजनीतिक एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि चीफ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस चीफ के बाद, चीफ जस्टिस जी के बाद, ये कहें कि ये सिलेक्टिव तरीके से केसेस को मार्क किया जाता है, ये बहुत बड़ा संकट है कि इस देश में जिस व्यक्ति के हाथ में कमान है वो उस ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट उसमें डिपोज किया जाता है उसको वो बिट्रे कर रहा है ट्रस्ट को। तो इसलिए ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको बहुत अच्छे तरह से डील किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि इसको सुलटाना है या इसको छिपाना। हाँ, है ये मेरा कहना है। जे सी वर्मा साहब, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आप रहे, राजस्थान हाईकोर्ट में भी आपने सेवाएं दी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, इस मामले में 2-3 बातें हैं, क्योंकि मैं जुडिशरी में भी रहा हूं। जहां तक रोस्टर की बात होती है वो दैट इज एक्सेप्टेड कि चीफ जस्टिस के हाथ में होती है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उसमें हो। पर ये भी है कि अगर रोस्टर जज अवेलेबल है
तो नॉर्मली तौर पर उससे डिविएशन नहीं होती है जी। अब इनमें आपस में ये क्या कुछ बात हुआ, ये अंदरली बात तो हमको मालूम नहीं हो सकती है। हाँ। एक इसका जो एस्पेक्ट है जो मुझे थोड़ा सा पिंच करता है जी। वैसे ऑन द होल मैं आई एम नॉट अगेंस्ट व्हाट एवर दे हैव सेड इट और दे हैव डन इट कि कोर्ट टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना परहैप्स नॉट बी हुइंग ए जज दैट कुड हैव बीन डन ऑन अदर डे और इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स एंड एक्सेट्रा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं थोड़ा सा अपनी रिजर्वेशन जरूर रखूंगा, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर चार सीनियर जज किसी वजह से भी, ऑफ कोर्स उनका जो वजह होगा दैट विल बी कंसर्न विद द जुडिशरी इटसेल्फ और द प्रोसीजर, जहाँ पर उनको लगता होगा कि इंसाफ ना होने की संभावना है या इंसाफ में थोड़ा सा शक पड़ सकता है, तो उन्होंने पहले भी शायद अगर उनको चीफ जस्टिस को कहा है तो अच्छी बात है, और फिर उन्होंने रिटर्न करके ये एक ऐसी स्टेज पहुंच गई होगी हाँ। जहां पर यहाँ आगे वो कंडोन करना नहीं जान चाहते होंगे हाँ। कि नॉर्मली तौर पर जज कभी पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं देता, बिल्कुल पहली बार रहा, और नॉर्मली द जज ऑलवेज स्पीक्स थ्रू इट्स जजमेंट्स नॉट टू द मीडिया नॉर्मली। बिल्कुल ऐसा सिस्टम कोई ऐसा चला है, कोई ना कोई अंदर क्या बात हुई है, ये कुछ तो ऐसा होगा जिससे चार जज कानून को जानते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। को जानते हुए, लॉ को जानते हुए, रूल्स को जानते हुए, प्रोसीजर को जानते हुए, उन्होंने कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि ऐसा ऐसा हम फील करते हैं जो कि शायद देश के हित में भी नहीं है हाँ, हाँ। इस बात में मैं उनसे एग्री करता हूँ कि बजाय घुटन करने के, बजाय इसके कि आप खामोश रहो और खामोशी से देखते रहो, उससे ना बोलने से बोलना है। अच्छा है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो दूसरे जजेस हो। एक और जो बात जो सामने आती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कहा जाता है कि चीफ जस्टिस इज ए एल्डर ब्रदर, ही इज इक्वल अदरवाइज एज ए इक्वल बट he is a eldest and he is a brother jo but he is not, you cannot say ke wo master ban jaye ha har ek cheez ka, ye definitely banna chahiye, banna chahiye, pehle aate hain lekin wo senior nahi hai, he is first among the equals ji, wo senior hai, senior brother hai, leader hai, he is a leader of the team बट ही इज नॉट ए मास्टर ऑफ द टीम, ठीक है, ये बात इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो कुछ अंदर से तो बहुत फीलिंग्स है हाँ। कि लोगों का विश्वास शायद जुडिशरी से भी उतरता जा रहा है जैसे बाकी ऑर्गन से उतरा है जी। हो सकता है इसमें भी देर इज सम गोल्डन लाइन के, एग्री सर, थैंक्स, सम गोल्डन लाइन के एक ये बात हर स्टेट में भी काम आएगी जी, इस बात में, ठीक है। कोटला साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि लोगों को इंसाफ जो देते हैं, जनता को इंसाफ जो देते हैं, वो इंसाफ पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दीवारों से बाहर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं? देखिए, ये काफी अनफॉर्चुनेट है आज का दिन इंडियन जुडिशरी के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। एक चार जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जो काफी सीनियर जजेस हैं और वेल एजुकेटेड, जो कि हमारे एक पिलर को संभाल रहे हैं हाँ। उनको बाहर आके मीडिया के सामने अपने दुख दर्द को बताना पड़ा, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट, काफ़ी गलत, एक तरह से गलत प्रेसिडेंट भी बना है और काफ़ी गलत है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। अगर जजेस को अपने कोई प्रॉब्लम थी तो उनको इंटरनल ही इसको सॉल्व करना चाहिए था, उनका मीडिया के सामने आना गलत है, आप ये मीडिया के सामने आना गलत है, जज से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि वो मीडिया के सामने आके हाँ। अपने दुख दर्द को या अपनी बात को जो है ये कहा गया कि हमने चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था, उसके बाद जब चीजें सही नहीं हो पाई उसके बाद हम मीडिया के सामने आते हैं, तो आप इसको गलत मानते हैं? वो गलत है, ठीक है। आप अंदर मीटिंग बुला सकते हो, आप अंदर कॉलेजियम के अंदर अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो हाँ। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाके अपने बात कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मीडिया के सामने आके देश के लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एक जुडिशरी के ऊपर जो फेथ है हाँ। वो बिल्कुल डिग जाएगा इस बात से, लोग जुडिशरी की तरफ देखते हैं अपने जजमेंट के लिए, अपने न्याय के लिए, और आज न्याय का देवता जो है
पब्लिक की तरफ जो है गुहार लगा रहा है कि भी पब्लिक हमारा डिसीजन करे। आपके इस बात पर कमेंट लेंगे हम, बाकी पैनल पर जितने भी गेस्ट हैं उनसे। प्रताप सहारण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, सीनियर एडवोकेट आप हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। सहारण साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से चार सिटिंग जजों की ओर से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी तरह की अनियमितताएं देखी जा रही है, आपका कमेंट? नमस्कार जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, हर आदमी को हक है अपनी जो ग्रीवेंसीज है वो सामने रखे। ठीक है, यदि आपका मुखिया आपकी बात ना माने तो वो चैनल के माध्यम से की जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं है। हाँ। आप यदि देखिए, यदि हम महाभारत काल से देखें, हम महाभारत की चर्चा में इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा जरूरी है, महाभारत में यदि भीष्म पितामह में द्रौपदी चीरहरण के टाइम वो चुप ना रहते और यदि वो बोलते कुछ बोलते तो समाज में अच्छा माना जाता जी। आज उस बात को कंसिडर किया जाता है, वो बोले क्यों नहीं, वो क्यों चुप रहे। हाँ। आज चार जजेज यदि पब्लिक के सामने आके प्रेस के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। हाँ। और ये बहुत अच्छा स्टेप है उन जजेज का, और मैं तो आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि प्रेस को बधाई भी देना चाहता हूँ, आज आपको फोर्थ पिलर माना है जी। और चाहे वो जनता के सामने हाँ। आप जनता के सामने आपके माध्यम से वो अपनी बात रखना चाहते हो, जुडिशियल सिस्टम की बात कहना चाहते हैं, आपको एक जरिया माना है जी। मैं आपको इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ, बट ये जरूर एक बात है, जैसा जस्टिस अभी वर्मा जी ने कहा वो आपस में बैठ के बात कर सकते थे, बाहर नहीं आना चाहिए था, ये ठीक है एक एक्सटेंड तक ठीक है, यदि अपने आप वो सुलझा लेते को बात होती, जब मैं स्थिति ऐसी नहीं बनती जी, तब परिस्थिति ऐसी नहीं आती। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा रहा जजेज ने यदि खुलेआम मुखिया यदि को गलती करता है, उनको लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, वो पब्लिक के सामने आपके माध्यम से आए। हाँ। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरा स्टेप नहीं है। ठीक है, बुरा स्टेप नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि बीजेपी से भी हमने आज प्रवक्ता बुलाए थे, वो नहीं आए। कांग्रेस से हमारे साथ रंजीता मेहता जी है, रंजीता जी क्या लगता है, क्या राजनीति की गुंजाइश है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल भी राजनीति की तो कहीं दूर तक भी गुंजाइश नहीं होती, पर कहीं ना कहीं अगर सरकार इंटरवीन करती है न्यायपालिका में, जो कि सुप्रीम न्यायपालिका है, तो कहीं ना कहीं आज सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखेंगे जस्टिस खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमें 20 साल के बाद ये ना कहना पड़े कि हमने अपनी आत्मा को बेचा था। ये कोई छोटा वर्ड नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये बात कह रहे हैं, इससे आशंका लगाई जा सकती है कि वो कितनी घुटन में चल रहे थे। हाँ। और उन्होंने बार बार इन चीजों का खुलासा भी किया कि चार महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने के लिए, चिट्ठियां भी भेज रहे हैं, बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, तो आज हम खुशी से नहीं बल्कि मजबूर होकर प्रेस के सामने बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पैदा होता है कि आज जो सरकार और जो न्यायपालिका है उसके बीच में जो संघर्ष हो रहा है। हाँ। उसमें कहीं ना कहीं आमजन पिस रहा है। आज भी 2.5 करोड़ केसेस जो है हमारे सेवरल कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं डिसीजन के लिए। एक सिविल केस को 5 साल लग जाते हैं, क्रिमिनल केस को 10-10 साल लग जाते हैं। तो क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप दबाव डालकर जो अपने डिसीजन है अपने पसंद के पैनल में भेजकर उसके निर्णय करवाएंगे? तो ये बहुत, पत्र में ऐसी बात नहीं कही गई, ये भी कहा गया आपने प्रभावित किया, ऐसा कुछ नहीं। देखिए कि उसने लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस प्रभाव के चलते जो है पैनल्स को, अपने मनपसंद पैनल्स को केसेस रेफर किए हैं। जो जज लोया का केस है वो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब आगे के 9 लोग पेंडिंग पड़े हैं उस केस को सुनने के लिए, आप 10वें पैनल को वो जो डिसीजन देने के लिए भेजते हो, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, शशि थरूर क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? Still not replied. There are so many judicial vacancies lying across the country in the system. How can the government escape some responsibility for the failure to attend to this aspect of the crisis in our judiciary? So independence, impartiality, extremely important, but also efficiency, proper functioning, filling of vacancies also matters. And I think both these aspects need to be attended to without delay.
तो कांग्रेस नेता को आपने सुना। गुरिंदर पाल सिंह जी, क्या लगता है आपको, ये बात कही जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 20 साल बाद ये ना कहा जाए कि हमने अपना ईमान बेचा, हमने अपनी आत्मा बेची, इस बात का क्या मायना समझते हैं? यही ये साबित करता है कि कितना बड़ा क्राइसिस इस समय देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट इस देश की अंतिम न्यायिक व्यवस्था की ऊपरी, सबसे ऊपरी पीढ़ी है, जिसके खिलाफ कोई अपील, कोई दलील नहीं दी जाती। बिल्कुल, ये जो अभी रंजीता जी ने कहा है उसमें कुछ दम है, हल्का सा जो उन्होंने बात कही है। ये आज जब दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जस्टिस रंजन गोगोई जी, जो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, यदि सीनियोरिटी को ना वायोलेट किया गया, ठीक है, तो उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि क्या आप ये जो कह रहे होगी सिलेक्टिव तौर पर जजेस को केस दिए जा रहे हैं, आप जज लोहा जो मिस्टर अमित शाह का केस सुन रहे थे और जिनकी मौत के बारे में, जांच के बारे में बात की जा रही है और डिमांड की जा रही है बहुत से सेक्टर्स की से, तो उसमें स्पेसिफिकली जज साहब ने कहा यहां यस हां, ये भी उनका ये कहना ये बताता है कि देश बहुत बड़े संकट में है। संकट ये नहीं है, आज से पहले के मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं जी। इस जुडिशरी ने बहुत बहुत अच्छी बातें भी करी है। 1951 में जब पहले चीफ जस्टिस एमएच कानिया की डेथ हुई, हाँ, तो सरकार ने ऐसे सोचा, ये 3 बहुत बड़े हिस्टोरियन ने, इंक्लूडिंग जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं सीतलवाड़, उन्होंने भी लिखा इसके बारे में, एमसी शागला ने और 2 इंग्लिश राइटर हैं उन्होंने, कि उस समय कहा गया कि पतंजलि शास्त्री जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे उनको सुपरसीड किया जाए। 7 के 7 सुप्रीम कोर्ट जजों ने जो उस समय मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम 7 रिजाइन देंगे यदि आप ऐसे करोगे। हाँ। उस करेक्टर के लोग थे, उस तरह के लोग थे जिन्होंने इस जुडिशरी की आन और शान को बचाया। और उसके बाद हमने देखा कि 2 बार इस देश में सुपर सेशन हुआ। हाँ। 2 बार जुडिशरी का सुपर सेशन किया गया सीनियर मोस्ट। मैं कोई जुडिशरी में सुपर सेशन के इस तरह खिलाफ नहीं हूं, यदि ऐसे हो मैं कोई सीनियोरिटी का बहुत बड़े दावेदार या बहुत बड़ा वो नहीं हूं, उसकी पक्षधर नहीं हूं। लेकिन यदि ये सारे काम एग्जेक्टिव द्वारा किए जाते हैं, जैसे पहला सुपर सेशन था वो इसलिए किया गया कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच लड़ाई थी, इंडिविजुअल के बीच में लड़ाई नहीं थी, केशवानंद भारती के केस की वजह से वो हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिविजुअली एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन यदि अपने हक में ये फैसले लेने के लिए इस तरह का यदि दखल अंदाजी करती है तो ये बहुत दर्दनाक बात है, दर्दनाक और दुखदायी बात है और गलत बात है। और जो जस्टिस रंजन गोगोई ने आज जो बात कही वो बहुत मायने वाली बात है कि हमें आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि आपने अपनी आत्मा को कहां रखा हुआ था उस समय। हाँ। उस समय आप लोग बोलते, और आज इस देश के 4 जजों की आत्मा नहीं बोली है, उन्होंने उस फ्यूचर को, इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को, उसको डिफेंड करने के लिए, उसको कामयाब करने, उसको बचाने के लिए आज जो बात कही है, मैं उन सभी 4 जजों के साथ ही नहीं खड़ा, मैं उनका पूर्ण समर्थन भी करता हूं। हाँ। और जैसे मैंने पहली बात कही है, एक यदि आप मुझे अवसर दे तो मैं उसको रिपीट करूंगा किसी अलग ढंग से। मेरा यह कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन को बचाया जाना बहुत जरूरी है। एक कहावत है, एक काम का कथन है कि आइडियाज गिव राइज टू इंस्टीट्यूशंस। हम विचारों से संस्थाओं का निर्माण करते हैं और वेरी फर्स्ट विक्टिम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इज दैट वेरी आइडिया। इस सुप्रीम कोर्ट को वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, उन्होंने किस पेडेस्टल पर रखा है। और हमें यह इंश्योर करना चाहिए इस देश की जनता को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे जस्टिस वर्मा जी जैसे लोगों को जिन्होंने सर्व किया, और सभी एडवोकेट भाइयों और आम जनता को, कि इसकी आन और शान वैसे ही कायम रहे और यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको एड्रेस किया जाए। जेसी वर्मा साहब, क्या आन और शान जो है वो कायम रहेगी या घटेगी इस तरह से मीडिया के सामने आने से? देखिए, इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। जो झगड़ा घर का था, हाँ, अब वो बाहर गली में आ गया है, उससे कोई इज्जत बढ़ती नहीं है, कमी होती है। घर में सॉल्व हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है, पर हुआ नहीं है। ऑन द सेम टाइम ये भी खतरा होता है कि अब झगड़े बाहर गली में आ जाएंगे, पब्लिक में आ जाएंगे, हाँ, प्रेस में आ जाएंगे, हम सबको संभल के चलना चाहिए। तो ये एक रिफॉर्मेटरी भी हो सकती है बात। कुछ करने को चीफ जस्टिस, अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट है आर्बिट्रेरीनेस की या उनके बिहेवियर की या उनके स्टाइल की, तो उसमें भी एक ये ऐसा कदम है जी, जो इन 4 जजों ने लिया है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी कि आगे से ये नहीं होगा, सुधार दिखेंगे कि कम से कम मीडिया के सामने कोई आ सकता है। हाँ, ये उसकी एक वानगी, पहली वानगी देखी गई कोटला साहब। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा उन 4 जजों को भी और अपने वकील भाई साहब को भी, एक किसी जज ने पीछे एक कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी। हाँ। कि जुडिशरी में कुछ करप्शन है। हाँ।
उसने कहा मैं नाम भी देने को तैयार हूँ, इंस्टांसेस भी देने के तैयार हूँ। इन्हीं जजों ने उसको कंटेम नोटिस दे के अंदर कर दिया। उसने ये कहा था कि मुझे सिर्फ इस इंक्वायरी करो, मैं साबित करूंगा। उस वक्त ना तो हमारी बार बोली ना हमारे जजेस के कोई साथ नहीं करा। आजकल जो मैं फील करता हूं, बजाय हम जो स्टेच्यूट के क्रिएशन है जजेस, और स्टेच्यूट को ही इंटरप्रेट करते हैं, पब्लिक का राइट भी अंडर द लॉ हम प्रोटेक्ट करते हैं। आज भी जो हम बिहेव करते हैं ना, वो एज ए जज नहीं करते, एज ए मिनी किंग करते हैं, एज ए राजा राजा महाराजा करते हैं। कि हमारा ही हुक्म जो हुक्म है, हमारा ही हुक्म जो लॉ है लॉ है, हमारा ही सब कुछ। 126 करोड़ जनता जो कि इंसाफ की उम्मीद करती है। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा हुआ 1984 में मसक्कर हुआ, बहुत बुरा हुआ, उसकी SIT बिठा दी। लेकिन 2002 में भी कोई मसक्कस हुए हैं, कई राजनीति प्रभावित कर रही है। कहें वो क्यों चुप है, वो भी जज क्यों चुप है, जजों के पास केसेस ठीक है। कोटला साहब आपसे कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें कि 1984 के दंगों की फाइल्स खोली जाएंगी तो 2002 में जो हुआ उसकी फाइल्स क्यों ना खोली जाएं, ये भी एक सवाल है। क्या राजनीति न्यायपालिका को, न्याय को, इंसाफ को प्रभावित कर रही है, और कितना जरूरी था सुप्रीम कोर्ट से बाहर आना, मीडिया से मुखातिब होना, देश के सामने रखना कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फॉर लौटेंगे। Extraordinary event in the history of this institution of judiciary. It is with no pleasure, because he will not survive in this country or any country. Responsibility to the institution, to the nation. वाकई बहुत बड़ा ये बवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम खतरा ऐसे माना जाए, लोकतंत्र पर खतरा माना जाए, संविधान के लिए खतरा माना जाए कि चार सिटिंग जज मीडिया के सामने आते हैं और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वो ठीक नहीं कर रहा है, आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। तो उसी को लेकर बड़ी बात में बड़ी बहस हम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया वो एक बार फिर से सुनिए। इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट in the history of any nation and more particularly this nation, an extraordinary event in the history of this institution of judiciary. It is with no pleasure in our hearts we were compelled to take this decision to call for a press conference. For some time the administration of the Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. Time and again, as senior members of the court, it goes without saying that we are the senior most judges of the country also by virtue of age and our office today, senior judges. We thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore you should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. And my dear friends, we are all, four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. For the survival of a democracy, it is said the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge. The judge is symbolic here, is the institution. Institution. Judge means the statement, but judge in the context means the judiciary. Now, well, anyway, a lot of things have been published in the press, pro, contrary, whatever it is. We are not entering a regular, it's not a political meeting where we go into all this controversy. But since all of our efforts failed, even this morning on a particular issue, four of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution and take care of the nation, because we have heard a lot of wise men talking in this country earlier. I don't want another 20 years later some very wise man in this country
blame that Chalameshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. We don't want it to be set. So we place it before the people of this country. तो जस्टिस चेलमेश्वर को आपने सुना, वाकई बहुत बड़ी बात है ये कहना कि 20 साल बाद ये ना कहा जाए कि मैंने अपनी आत्मा बेची, ईमान हम लोगों ने बेच दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि बड़े मुकदमे जिनका देश पर, देश की व्यवस्था पर और साथ ही न्यायिक व्यवस्था पर भी दूरगामी परिणाम बड़े हो सकते थे, उनको चीफ जस्टिस अपने पसंदीदा बेंच को देते रखे, क्या वाकई विश्वास इससे कम हो सकता है? ये सवाल जरूर खड़ा हुआ। साथ ही इस पर राजनीति भी नजर आई है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कहते हैं इस मसले को लेकर, वो सुनिए। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हमारा लीगल सिस्टम है पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है, और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो चर्चा कर रहे हैं, गंभीर ये बात है। कांग्रेस ने खुद कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है इस पर जो आरोप लगाए हैं उन पर जांच करे कि विश्वास कहीं कम ना हो जाए, इतने गंभीर अगर आरोप लगाए गए हैं बड़े स्तर पर उनकी जांच करवाई जाए। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हालांकि कोटला साहब, आपको हमने कहा ब्रेक से पहले कि आपका कमेंट हम लेंगे, चूंकि राहुल को सुना तो राहुल गांधी पर रंजिता मेहता जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कांग्रेस इसे एक मौका देखेगी, राजनीतिक मौका? देखिए, मौके वाली बात नहीं है, बहुत गंभीर आरोप हैं आज हमारी जुडिशरी के ऊपर लगे हैं, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है इन्हीं से चलता है और लोग जो हैं ताकते हैं इनकी तरफ ही, उम्मीद रखते हैं कि हमें यहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक लास्ट हमारी अप्रोच है, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। अगर वही न्याय मांग रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है पूरे देश के लिए। आज ही देखिए कि अगर दूसरी बात जो उठाई गई है इनके सवालों में, ये भी उठाया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, MOP है, हाँ, उसको लेकर आज कितनी ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ इस पर अपना फैसला सुना चुकी है। आज भी 395 वैकेंसी 24 हाई कोर्ट्स की पेंडिंग है। आज अगर दूसरी जुडिशरी की बात करें 5984 के करीब वो भी वैकेंसी पेंडिंग है। तो इतनी वैकेंसीज में जो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि भाई भतीजावाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया सवालिया निशान उठ रहा है कि इसमें भी अगर फेयरिटी नहीं होगी तो आम जनता को कहां से उम्मीद रहेगी कि उनको जस्टिस मिलेगा। और आप ये बात देखिए कि इसमें मैं एग्जाम्पल दे सकती हूं कि अगर आज विराट कोहली को आप एक क्रिकेट खेलने के लिए कैप्टन बनाकर भेजते हैं और वो जो ओपनिंग है वो एक बैट्समैन से कराने की बजाय बॉलर से करवाता है, तो बाहर जाकर निश्चित तौर पर विराट कोहली की पिटाई होगी, उसे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर आपके पास इतने सीनियर जजेस के बेंचेस पेंडिंग आपके पास हैं जिनके पास आप केसेस रेफर कर सकते हैं, अगर उनको इग्नोर करके, सच्चाई है उनको इग्नोर करके आप आगे दे रहे हैं आरोप है इस तरह के, कोटला साहब आपका कमेंट? जो ये विराट कोहली का एग्जांपल दे रहे हैं, मैं इससे दो राय नहीं रखता हूं। हां, क्रिकेट एक अलग चीज है, जुडिशरी एक अलग चीज है। जुडिशरी एक जन... नहीं, ये कहा जाना कि बड़े मुकदमे जिनका बड़े मुकदमे, सुनिए एक बार के लिए, नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए, लीडरशिप पर प्रोरोगेटिव है। कोटला साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि कोटला साहब आप भी जानते हैं चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, हम भी जानते हैं कि एक रोस्टर बना होता है, उस रोस्टर में दिया होता है कि इस कोर्ट में ये केस फलां 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 जगह जाएगा, और ये देश के लिए कितना घातक होगा कि सिलेक्टिव जज का मतलब यह है कि सीधा सीधा एलिगेशन है कि उसके लिए किस तरह का फैसला है वो पहले इंश्योर किया जा रहा है। दिस इज द एलिगेशन, और एलिगेशन इज नॉट बीइंग लेवल्ड बाय सम कांग्रेस पर्सन, सम बार मेंबर और सम डिसग्रंटल एलिमेंट। दिस इज बीइंग लेवल्ड बाय द सीनियर मोस्ट जजेस हु आर सिटिंग विद दोज जजेस फॉर द लास्ट वेयर इज द बार इयर्स, वेयर इज द बार के भी चीफ जस्टिस जो है अपने पावर का यूज करके। कोटला साहब, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि बड़े मुकदमों को चीफ जस्टिस अपने पसंदीदा बेंच को देते हैं, उसके दूरगामी परिणाम खतरनाक हो सकते हैं न्यायिक व्यवस्था के लिए, देश के लिए? देखो, ये फिर उसमें विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया जाना आपको गलत लगता है, जबकि चीफ जस्टिस का काम है कि वो रोस्टर तैयार करे, जाने मेरा मुकद्दर क्या होगा। तो ये पूरा जो है चीफ जस्टिस का अगर अपने पावर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी नहीं, ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो ये जुडिशरी के लिए नहीं फिट बैठते हैं। आप ठीक है, इस एग्जांपल को हम एक बार के लिए दूर रखते हैं। आप ही बताइए मुकदमों को लेकर जो कहा गया, मुकदमों को लेकर नहीं, उनका कहने का मतलब आर्मी चीफ के ऊपर आप एलिगेशन लगाओ कि मेरी टुकड़ी को इन्होंने मेजर ही एलिगेशन लगा दे, मेरी टुकड़ी को इन्होंने फ्रंट पे भेज दिया
और दूसरे जो है ना मेजर की टुकड़ी को पीछे भेज दिए, तो आर्मी चीफ ने डिसाइड करना है भी किसको आपने आगे खड़ा करना है और किसको पीछे खड़ा करना है। ये चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है, उसने किस रोस्टर पे किस जज को बिठाना है, ठीक है, और कौन सा मैटर किसको देना है। वर्मा साहब, ये बात कही गई थी योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर मुकदमे नहीं दिए गए, योग्यता के आधार पे देने का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें। कोटला साहब, बात ये होती है नहीं, जो आरोप लगे, नहीं नहीं, किसने ये आरोप लगाया कि योग्यता के आधार पे दिए, वो भी तो जज है जिनको दिए हुए, वो आम आदमी थोड़ी ना है, उनको भी तो डिसाइड करने के लिए। ठीक है, इसमें जो पसंदीदा शब्द है ये परेशान करता है कि चीफ जस्टिस की जो पसंदीदा बेंच रही उनको वो मुकदमे दिए गए। वर्मा साहब बताइए। देखिए, ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन पसंदीदा बेंच है या जो कौन दूसरा बेंच है, पर जो प्रोसीजर ये होता है उस सब्जेक्ट का रोस्टर जिसके पास होता है नॉर्मली इट इज फिक्स्ड अनलेस इस जज के पास कोई इंटरेस्ट है या दो नहीं, या तो जज जी वापस भेज देते हैं कि मैं इसमें वकील रहा हूं या मैं, अगर मेरे ये पार्टी जो है ना मेरे ओन है, और जजेस भी जब वो देखते हैं कि नो वी शुड नॉट डिसाइडेड दे सेंड इट बैक, लेकिन रोस्टर मीन्स रोस्टर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर इसके बाद पिक एंड चूज के केस 1, 2, 3, 4 किसके, ये किसी इस सब्जेक्ट का इसके बाद नहीं उसके जाएगा, व्हाट इज यूज ऑफ मेकिंग द रोस्टर्स एट ऑल। रोस्टर का यही पता होता है कि वो जज जो रोस्टर में बैठा हुआ है, वकीलों को भी पता है इसके पास जाएगा हम इसी हिसाब से ये जज ऐसे मेंटेन करेंगे, लेकिन उससे डिबेट होने के लिए ना कोई रीजन चाहिए, ठीक, वो रीजन कोई अपेरेंट हो। अभी जज साहब, हमने थोड़े दिन पहले ही इसी मामले पे एक बड़ी बहुत ज्यादा जिस बात को दबा दिया गया, बहुत ज्यादा संकट थोड़े दिन पहले भी आया था लेकिन इधर उधर करके उस संकट को दबा दिया गया। वो संकट ये था कि एक केस में चीफ जस्टिस पर कुछ एलिगेशन है, मैं नहीं मानता कि वो सही है, मैं भी ये मानने को तैयार नहीं हूं, हमारे यहाँ एक रिवाज है यदि हमारा केस ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं यार जज तो ऐसे कर गया, जज तो ऐसे कर गया। ये एक बहुत बहुत घटिया और बहुत तरह की हमारे एक चल रही है एक परंपरा ऐसे बन रहा है सिस्टम सा, ये जो रूटीन है ना वो बहुत ज्यादा जुडिशरी का नुकसान करता है, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। पर एक बात बताइए कि एक केस में स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, कोटला जी आपसे सवाल भी है और ये जवाब भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे एक स्पेशली तौर पर एक एलिगेशन लगता है और वो नंबर 2 जज जस्टिस चेलामेश्वर की बेंच में आ जाता है और वो ये नहीं कहते कि ये मैं सुनूंगा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट 5 सीनियर मोस्ट जजों के ये केस लगाया जाए। उस 5 सीनियर मोस्ट जजेस में कौन शामिल है? उस 5 सीनियर मोस्ट जजेस में खुद चीफ जस्टिस साहब शामिल है और वो खुद उन्होंने ये नहीं कहा मुझे लगाओ, लेकिन वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस की बजाय उन्होंने अपने जो 3 जजेस बैठे थे उनमें से भी एक को साइड में कर दिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, और बाकी 5 जज कॉन्स्टिट्यूट करके दूसरे दिन ये कह दिया उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि चीफ साहब इस रोस्टर के मालिक है, और फैसला कौन कर रहा है? चीफ साहब कर रहे हैं कि मैं रोस्टर का मालिक हूं। वो जो कन्वेंशन रोस्टर के मालिक की चली आ रही है उस कन्वेंशन को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से एक तरह से सत्ता को केंद्रित करना और उसको उस लिहाज, मैं मेरा ये मानना है सर ये दुखदाई चीज नहीं है, ये बहुत अच्छा हुआ इस देश के लिए, इस देश की जनता वी द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग, हु आर प्रोटेक्टर ऑफ रूल ऑफ लॉ वेदर दे आर वायोलेटिंग लॉ आर नॉट। कोटला साहब, ये कहा जाना कि रोस्टर बनाए जाने से चीफ जस्टिस जो है वरिष्ठ नहीं हो जाते, वो उनका काम है, वो पहले आते हैं लेकिन वरिष्ठ नहीं है, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। कोटला साहब, नहीं वरिष्ठ तो नहीं हो जाते जज, चीफ जस्टिस भी बाकी जो जजेस हैं उनके बराबर ही हैं, बस वो प्रिंसिपल जज है इसलिए वो रोस्टर बनाते हैं, तो उनका एक प्रोरोगेटिव है रोस्टर बनाना, किसको रोस्टर और बेंच बनाना उनका बेंच उनका काम है, उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा है, बल्कि जुडिशरी का थोड़ा उनके ऊपर बर्डन कम रहता है, जुडिशरी का बटन कम होने की वजह से उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी ज्यादा करना पड़ता है। बट वी आर नॉट हियर डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ द चीफ जस्टिस, दैट देयर, बट मैं ये कह रहा हूँ जो आज का एपिसोड हुआ है ये टोटली इंडियन जुडिशरी के लिए या भारत के लोकतंत्र के लिए काफी गलत हुआ। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई अगर मिलिट्री में आर्मी में आ जाए, कोई भी फैक्टर रहा वो भी तो गलत था ना, शुरुआती तौर पर जो चीजें रखी जिसके कारण बाहर लोगों को आना पड़ा, जुडिशरी अगर इस तरह से बाहर आएगी तो पॉलिटिकल आदमी बीच में कूदेगा
पॉलिटिक्स जो है चाहे वो जुडिशरी को बाहर आना इसलिए पड़ा कि पॉलिटिकल आदमी बीच में कूद रहे थे और ये इल्जाम कौन हम नहीं लगा रहे, अभी वो चार आदमी इल्जाम लगा रहे हैं, ये बखिया उधेड़ी जाएंगे इसी बात के लिए अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे, इसी बात वाले अपने इंटरप्रेट करेंगे। आजादी में कहें कि अभी तक आजादी के बाद नहीं हुआ था, अभी स्थिति पैदा हुई है, क्या लगता है एक लाइसेंस मिल जाएगा कि आम आदमी भी उंगली उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट पर उसके इंसाफ पर? बिल्कुल, ये तो जेसी वर्मा जी किसने दोबारा कीजिएगा जी, क्या आम आदमी को भी ये मैसेज जाएगा, ये संदेश जाएगा जब जो सिटिंग जज हैं वो मीडिया के सामने आए, उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आम आदमी भी अब उंगली उठाएगा सुप्रीम कोर्ट पर उसके इंसाफ पर? क्यों नहीं उठा सकता है जी, उठा सकता है, इसमें कुछ शक नहीं है। फेथ तो टूटा ही है, फेथ तो टूटा ही आम आदमी। देखिए जब 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 ये पता लग जाता है एक बार कि इस मकान की दीवारें क्रैक हो रही हैं, उन क्रैक से आवाज आ रही है, तो हर एक आदमी कॉशियस भी हो जाता है, उस पर शक की नजर भी देखना चाहता है, उस मकान में घुसना भी नहीं चाहता, कहीं भी ये गिर जाए ना गिर जाए। ये ना होता तो बहुत ठीक था, ठीक है, अगर हो गया तो इसको हमको जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और जो इसको सुधारने की अगर आ सकती है तो वो करना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैडम रंजीता ने एक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाली बात की थी, उस पे भी चर्चा करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग है कि अब जो आम लोगों की ये राय है कि जजेस विच आर बींग अपॉइंटेड दे आर नॉट अप टू द मार्क, और आप इंक्वायरी करके देख लीजिएगा कई सीनियर जजेस के या रिश्तेदार हैं या भाई हैं या भतीजे हैं या प्रिंसिपल, मैनी आई नो इट, मैनी वेरी एफिशिएंट एडवोकेट्स आर अवेलेबल इन द बार, उनके नाम कहीं बार ही नहीं आते। हाँ, इस बार जो एडीजे की नियुक्ति हुई है आप उन्हीं के कैलेबर और देख लीजिए जो इस बार एडीजे नियुक्त हुए, वो चर्चा करेंगे उस पे भी। वो भी दैट इज आल्सो प्लेइंग विद द पब्लिक, ए जज शुड ऑलवेज बी मच वाइजर देन द पब्लिक, देन द एडवोकेट। बिल्कुल, उम्मीद भी की जाती है वो करके ना, तो ये जुडिशियल सिस्टम तो हमारा जो अगर रंजीता जी आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, एक बात मैं कहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि अगर पेंडेंसी ऑफ द केसेस है किसी भी जज को वो साल दो साल के लिए लगा सकते हैं, रिटायर्ड जज को, बट ही वॉन्ट बी कंसिडर्ड द जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, देयर आर मेनी रिटायर्ड जजेस अवेलेबल हु आर प्रिपेयर्ड टू डू इट जस्ट ऑन नॉमिनल एनोमरेशन, नॉमिनल 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया ताकि ये हो जाए। भाई भाई द जुडिशियरी आर कमिंग अप टू द मार्क, Why can't they dispose of the cases? बिल्कुल, जजों की कमी से पूरी तरह से जूझ रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। When we have got the retired judges, जो बिल्कुल ही ठीक तरीके से और कम तनख्वाह में काम करने को तैयार है, वहां काम किए जाने की जरूरत है। रंजीता जी, आज डी राजा मिलते हैं, उनकी ओर से मुलाकात की जाती है चेलमेश्वर से, क्या लगता है क्या किसी तरह की साजिश हो सकती है, जो कि हालांकि बीजेपी ने कहा नहीं लेकिन सुगबुगाहट एक इस तरह की देखी गई है कि सांसद साहब को आज ही याद आते हैं जज साहब? मुझे एक बात बताइए, क्या डी राजा इस देश के नागरिक नहीं है जी, या जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद? नहीं, मुझे बताइए, एक अगर आज आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर है, उनके अगर कोई घर के अंदर एक चीफ जस्टिस चले जाते हैं, जस्टिस चले जाते हैं, तो क्या इससे ये सिद्ध होता है कि वो उनके सिखाने पे उनके करने पे आगे कोई निर्देश अपनी सरकार को दे रहे हैं? तो ये इल्जाम तो बेबुनियादा है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आज जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से हटकर तानाशाही की तरफ मुड़ रही है, और जहां पर हमारी न्यायपालिका है वो सामाजिक हितों को लेकर आगे डिसीजन लेती है, और हम गुरिंद्रपाल सिंह जी हम एमओपी को लेकर भी सवाल खड़े किए। बहुत बहुत बड़ा इशू है, इस पे एक बहुत लंबी डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बहुत बुनियादी चीज है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए मेरा नेशनल जुडिशियल कमीशन पे भी मेरे एक ओपिनियन के देयर शुड बी ए नेशनल जुडिशियल कमीशन, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो नेशनल जुडिशियल कमीशन में एग्जेक्टिव का हाथ नहीं होना चाहिए। हाँ। वो पार्लियामेंट कंट्रोल करे उसको, और उसके लिए वी कैन फाइंड आउट ए वे आउट। जब एग्जेक्टिव अपना काम करती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में हमारा आ जाए। हाँ। हमने कोलिजियम के अपॉइंटमेंट सिस्टम से पहले 1993 से पहले हमने ब्रीफलेस और इनएफिशिएंट लायर्स को जज बनते देखा, और वो हमने उसके बाद भी देख रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ना गतिमान होती है, तो इन डायनेमिक जो होता है समय के साथ उसमें तब्दीली करने की आवश्यकता, बदलाव की बड़ी जरूरत है। अटॉर्नी जनरल साहब आज मिले, के वेणुगोपाल मिले, चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद कोटला साहब ने साफ किया गया कि शनिवार को चीजें ठीक हो जाएंगी, यानी कल ये चीजें ठीक हो जाएंगी, उम्मीद की जाए।
आखिरी देखो मैं ये मानता हूँ कि भी अगर ये इतना बड़ा आज ये प्रेस में आके इन्होंने इशू उठाया है जी, तो इसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर किसी जजेज को या किसी एक जज को या दस जजेज को चीफ जस्टिस से प्रॉब्लम है या उनके रोस्टर सिस्टम से प्रॉब्लम है या उनके ज्यूडिक्शन में कोई मैटर आता है उसके निपटारे में अगर चीफ जस्टिस फेल होते हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ऐसा बनाया जाए ताकि वो अपनी बात को रख सके। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज द ओनली थिंग विच कैन गारंटी, जो इस बात की गारंटी जवाबदेही और पारदर्शिता जुडिशरी में ये गारंटी कर सकती है कि इस देश का संविधान जो है ना वो सुरक्षित है और देश के लोग सुरक्षित हैं। संविधान की व्याख्या करने का काम ही सुप्रीम कोर्ट का है पूरी तरह से। रंजिता जी 5 सेकंड आपको। मैं ही कह रही हूँ कि गोपाल सुब्रमण्यम की जब नियुक्ति हुई थी तब भी बहुत सवाल उठाए गए थे कि चार सीनियर पेंडिंग होने के बावजूद जो सीनियरिटी बेसिस पे काबिल थे उसके बावजूद इनकी नियुक्ति की गई, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। रंजिता जी शुक्रिया, आपका शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो कम से कम ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा कि देश की जनता का विश्वास बना रहे कि इंसाफ के जिस मंदिर पर आप इंसाफ की आस रखते हो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियरी, इट इज विद नो प्लेजर बिकॉज़ ही विल नॉट सर्वाइव इन दिस कंट्री और एनी कंट्री। रिस्पांसिबिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन, टू द नेशन।